गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टरलाइजेशन। ये क्या होता है? स्टरलाइजेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूवल बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेयर्स फ्रॉम प्रिपरेशन। मींस स्टरलाइजेशन एक ऐसी मेथड है जिसके अंतर्गत किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन को दूर किया जाता है। इस मेथड के अंतर्गत सब्सटेंस में प्रेजेंट वेजिटेटिव स्पोर्स नष्ट करके किसी सब्सटेंस को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। स्टरलाइजेशन मेथड में लिविंग माइक्रोब्स को किल करके हटाया जाता है और जो हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल को इन्फेक्टेड होने से रोका जाता है। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन, कंटामिनेशन एंड डिसीज़ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए स्टरलाइजेशन मेथड के द्वारा इन सभी प्रकार के सब्सटेंस को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। अगर हम सब्सटेंस की बात की जाए जिसे हम स्टरलाइज करते हैं, जैसे कि कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर, लूप, निडल, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम स्टरलाइज करते हैं एज अ प्रैक्टिकल के लिए। अगर हम स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन की बात की जाए, स्टरलाइजेशन वह मेथड है जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल किया जाता है, लेकिन सब्सटेंस को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता। अगर हम स्टरलाइजेशन की बात की जाए तो स्टरलाइजेशन में दो मेथड होती है। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड, और सेकंड है हमारा केमिकल मेथड। तो फर्स्ट है फिजिकल मेथड, तो हम बात करते हैं क्या है फिजिकल मेथड, या इसे फिजिकल एजेंट भी कहते हैं। इस मेथड के अंतर्गत ऐसे विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को आसानी से किल किया जा सके। स्टरलाइजेशन की ये फिजिकल मेथड है जिसके द्वारा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोका जाए, तो इसे फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कहते हैं। अब वन बाय वन देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट स्टरलाइजेशन की एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को स्टरलाइज किया जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट, क्लॉथ, सीरियल ग्रेन्स। सनलाइट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो इनमें उपस्थित बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकती है। सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वाटर की आवश्यकता होती है ना। जिन चीज़ों में भी पानी की मात्रा अधिक होगी तो उनके ख़राब होने की चांसेस भी अधिक होगी। जब इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इसमें उपस्थित सनलाइट के कारण, यूवी लाइट के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ एक्शन होता है या उसका प्रोटीन जो है ख़राब हो जाता है, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, है ना। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, सनलाइट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिग्रेड होते हैं, सूर्य का जो लाइट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की वेव्स प्रेजेंट होती है, जैसे यूवी, गामा रेज, ये सभी किरणें लगातार कुछ समय के लिए संपर्क में रहे तो सेल में प्रेजेंट वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग। तो एक ड्राइंग भी एक टेक्निक है फिजिकल मेथड के अंतर्गत। हम पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट्स को ड्राई करते हैं तो ड्राइंग भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट है हमारा हीट। तो हीट दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई हीट और एक होती है मॉइस्ट हीट। तो हम पहले ड्राई हीट की बात करते हैं जिसके अंतर्गत फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर वन आता है, और जो मॉइस्ट हीट है इसके अंतर्गत आता है हमारा पॉस्चुराइजेशन, बॉइलिंग स्टीम एंड अंडर स्टीम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
ड्राई हीट के अंदर। तो ड्राई हीट के अंदर का सबसे पहले हम देखेंगे हॉट एयर वन। आप देख सकते हो ड्राई हीट के अंतर्गत आता है हॉट एयर वन, ठीक है। स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकली हेडेड एंड थर्मोस्टिकली कंट्रोल्ड, इसका टेम्परेचर कितना है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर्स के लिए। इसके एडवांटेज की बात की जाए, इट इज़ सुटेबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन सब्सटेंस डिस्ट्रॉइंग बाई मॉइस्चर। हॉट एयर वन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले एपरेटस को स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन की यह एक इम्पॉर्टेंट मेथड होती है जिसके द्वारा पेट्री डिश, फ्लास्क, कल्चर ट्यूब्स को 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर्स पर रखने पर इन जो ग्लास वेयर्स हैं में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इस प्रकार हॉट एयर ओवन एक प्रकार का डाइहीड स्टरलाइजेशन है जिसके द्वारा जो भी लेबोरेटरी में जो भी एपरेटस यूज़ हो रहे हैं उन्हें स्टरलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, स्ट्रक्चर जो है हमारे हॉट एयर ओवन का है। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंतर्गत आता है हमारा ऑटोक्लेव जिसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस हॉट एयर ओवन की। इस हॉट एयर ओवन को स्टीम अंडर प्रेशर भी कहा जाता है। मॉइस्ट हीट में ग्रेटर पेनिट्रेशन बार बार होने की वजह से इसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के सेल जिसमें उपस्थित होते हैं प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को क्या हो जाता कर देता है, ये डीनेचुरेटेड कर देता है, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इस मेथड में वाटर को बॉयल किया जाता है जिसकी वजह से वेपर प्रोड्यूस होती है। जब इन्हें किसी सराउंडिंग वेसल पर कलेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से वेसल्स के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर बढ़ने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए। इसका उपयोग कल्चर मीडिया और लेबोरेटरी में इसका यूज़, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइजेशन करने के लिए भी, स्टरलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव का यूज़ किया जाता है। ये हमारा ऑटोक्लेव का, ये ऑटोक्लेव का स्ट्रक्चर है जो यहाँ बना हुआ है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक स्टरलाइजेशन की मेथड है जिसके द्वारा ऐसे कंपाउंड को या उससे कंपाउंड का स्टरलाइजेशन किया जाता है जो अधिक तापमान व दाब पर ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इनके स्टरलाइजेशन के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इन सबको स्टरलाइज किया जाता है ऐसा फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा। इसके अंदर कैंडल्स हो गया, एस्बेस्टस मेम्ब्रेन हो गया, कैंडल फिल्टर्स, अगर कैंडल फिल्टर की बात की जाए तो इस प्रकार के फिल्टर में पोरोसिटी मतलब ग्रेट पोरोसिटी होने की वजह से इसका यूज़ वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर हम एस्बेस्टस की बात की जाए, इस प्रकार के फिल्टर का यूज़ या फिर इसका आकार की अगर बात की जाए तो सिलेंडर होता है जिसमें एक फनल लगी होती है और नीचे की ओर एक फ्लास्क लगा होता है। इसका आकार फिल्टर के समान ही होता है जिसमें अलग प्रकार की डिस्क लगी होती है और इस डिस्क को क्या किया जाता है, आसानी से हम डिस्क की हेल्प से इसे जो भी मटेरियल है उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। इसका उपयोग लिक्विड या सीरम के स्टरलाइजेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन के अंतर्गत यूवी रेस, एक्सरे, गामा रेज आती है। इन किरणों की वेवलेंथ 260 म्यूयम के आसपास होती है। ये किरणें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए इसका उपयोग स्टरलाइजेशन में किया जाता है। इसे दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात की जाए
तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे वायरे का यूज़ स्टलाइजेशन में किया जाता है। इसके द्वारा प्लास्टिक्स सिरिंज को स्टलाइज किया जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात की जाए तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंतर्गत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उसमें प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए के नाइट्रोजनस बेस पेयर जैसे कि थायमिन को तोड़ देती है और थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। हम बात करें यूवी लाइट की, तो यूवी लाइट जो है लेमिनर एयरफ्लो में लाइट लगी हुई होती है, जिसके द्वारा हम आसानी से प्रैक्टिकल नहीं में भी अल्ट्रावायलेट रेज को के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल का यूज़ स्टरलाइजेशन टेक्निक में किया जाता है। सबसे बात पहले करते हैं बात करते हैं अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग लेबोरेटरी में स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। एथिल अल्कोहल जनरली 18-90% कॉन्सेंट्रेशंस एथेनॉल का उपयोग स्किन सेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। यह बैक्टेरिसिडल एंड फंजीसिडल के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एथिल आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के रूप में सबसे अधिक फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है, जिसका उपयोग कमरे को स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है डाइस। दो प्रकार के डाइस का यूज़ स्किन एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। एक होता है हमारा एनिलीन और एक होता है हमारा एक्रिडाइन। नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन के रूप में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में स्टरलाइजेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल। इसके अलावा फिनाइल का यूज़ भी किया जाता है। फिनाइल का यूज़ लेबोरेटरी रूम फ्रेश के स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। फिनाइल काफ़ी असरदार और सस्ते होते हैं। इनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के कारण इसका उपयोग एज अ फिनोलिक्स कंपाउंड के रूप में किया जाता है। सरफेस। नेक्स्ट है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। इसके चार भाग होते हैं, जैसे कि कैटायनिक, एनायनिक, नॉन एनायनिक एंड एम्फोटेरिक। नेक्स्ट है मेटेलिक साल्ट्स। मेटेलिक साल्ट्स का यूज़ भी एज अ स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गैस। तो गैस के रूप में बात की जाए, गैस का यूज़ भी स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है एज अ केमिकल एजेंट के रूप में, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोल एक्टॉन है ना, ये सब जैसे गैसीय स्टरलाइजेशन के रूप में मेनली एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन में किया जाता है। इसके अलावा हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जो होते हैं ना, इसका यूज भी स्टरलाइजेशन के रूप में किया जाता है, जैसे कि हो गया मरकरी हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आर्सेनिक हो गया। अगर मैं बात करूँ HgCl2, ये भी हैवी मेटल्स है। इसका उपयोग, ये एक तरह से जीवाणुनाशी होते हैं, जिसका उपयोग इंसेक्ट या कीटों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट, ये भी एक प्रकार के फंगीसाइड्स होते हैं, जिनका उपयोग वाटर में किया जाता है, वाटर को प्योरीफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा
सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग 1% सॉल्यूशन बनाकर किया जाता है, जिसे जले हुए घाव पर बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सिल्वर सल्फोडाइजाइन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारे केमिकल एजेंट थे। स्टरलाइजेशन के अंतर्गत एक मेथड आती है जिसका नाम होता है टिंडलाइजेशन मेथड, ठीक है, जिसे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग ही दिया है, जिनका नाम जॉन टिंडल था, जिन्होंने 1877 में इस मेथड को दिया था। टिंडलाइजेशन मेथड में इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेट्री डिश, कल्चर ट्यूब, फ्लास्क, ETC को पानी में रखकर उसे हीट प्रोवाइड किया जाता है। इनको इतना तापमान दिया जाता है कि इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। गर्म होने के बाद इन्हें पुनः ठंडा कर दिया जाता है, जिससे इसमें प्रेजेंट माइक्रोबियल सेल किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पर जीवित रह जाते हैं। इस मेथड में लगभग 8 आवर्स का समय लगता है, इसीलिए इस मेथड का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक है। नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन। इस मेथड का आविष्कार लुईस पाश्चर ने किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस मेथड को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। इस मेथड को सर्वप्रथम इसका यूज़ लुईस पाश्चर ने वाइन को स्लाइस करने के लिए किया जाता है। ये भी एक प्रकार की स्टरलाइजेशन की मेथड है। आजकल इस मेथड का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में मिल्क के स्टरलाइजेशन में किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि मिल्क को 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्टीन मिनट्स तक गर्म किया जाए तो मिल्क में प्रेजेंट सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। मिल्क में उपस्थित सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट नष्ट नहीं होते। यह स्टरलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मेथड होती है, इसीलिए इस मेथड का उपयोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अल्कोहल डेयरी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसीलिए लुईस पाश्चर को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस लेक्चर में देखा हमने स्टरलाइजेशन, जिसकी दो मेथड थी, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। थैंक यू।